वेलकम बैक। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपने थंबनेल में क्वेश्चन देख लिया होगा, व्हाट इज द बेस्ट प्री वर्कआउट। आप वर्कआउट के पहले सबसे बेहतरीन चीज क्या ले सकते हो, सबसे इजी और सबसे हेल्दी, तो इसको इसका जवाब तो दूंगा ही। उसके पहले बता देता हूं कि अभी रात के 1 बज रहे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और इसके वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि मेरे पास में मॉर्निंग में देने के लिए आपके पास में कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने कहा इस वीडियो को इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चालू है, स्पेशली हमारे फील्ड में जो जिम फील्ड है उसमें, तो और फिटनेस का फील्ड है उसमें, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वर्कआउट करने के लिए जा रहा था। आप सोच रहे होंगे रात में 1:30-2 बजे कौन सा वर्कआउट, पर मुझे टाइम नहीं मिल सका रेगुलर वीडियोस की वजह से या आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने की वजह से जो यूट्यूब पे लोग मुझे फॉलो करते रहते। तो एनीवेज आज मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा था और वही प्री वर्कआउट मैंने लिया क्योंकि काफी थका हुआ फील कर रहा था और वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इसी पे आपको मैं जानकारी दे देता हूं सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट। देखिए प्री वर्कआउट सिंपल, अगर आपको नॉर्मल वर्कआउट करना है या आप थोड़ा थकावट फील करते हैं या वर्कआउट करने के पहले आप लेथार्जिक फील करते हैं या लेजी फील करते हैं, तो आप सिर्फ कॉफी लेंगे वो भी चलेगा। कॉफी आप मिल्क के साथ में ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो बताऊंगा, वीडियो को पूरा समझिएगा। तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपको जब भी आप कॉफी पी रहे हैं, तो अगर देखिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा संभालिएगा क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है और कैफीन आपके ब्लड सर्कुलेशन को हाई करने का और ब्लड प्रेशर को फास्ट करने का काम करता है। तो पहली चीज, थोड़ी सी मात्रा वर्कआउट के पहले इट इज कंप्लीटली फाइन। कितनी देर पहले लेना है, 30 मिनट्स to 60 मिनट्स बिफोर। अब देखिए अभी भी बेस्ट प्री वर्कआउट नहीं बताया मैंने, ये तो कॉफी आपको एनर्जी देने का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को हाई करेगा जिससे आपका फोकस भी इंक्रीज होगा और आपको वर्कआउट करते समय लेथार्जिक लेजी नहीं लगेगा। पर अगर आप रिगरस और इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाले हैं, हैवी वेट्स उठाने वाले हैं जिम में जाकर या खूब ज्यादा एरोबिक्स करने वाले हैं, तो आपका बेस्ट प्री वर्कआउट जो मैराथन के लिए भी लोग लेते हैं या जो एथलीट्स होते हैं वो भी ये प्रिफर करते हैं, क्या? बनाना विद कॉफी। अब बनाना क्यों बोला, क्योंकि बनाना इज सोर्स ऑफ कार्ब्स एज वेल एज पोटेशियम, जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वर्कआउट के वक्त वो बनाना में काफी अच्छे होते हैं और ये आपको स्लो रिलीजिंग एनर्जी का काम करता है, तो ये 1.5-2 घंटे आपकी एनर्जी को सस्टेन करता है। आपने कई बार देखा होगा जो टेनिस प्लेयर है या क्रिकेटर से या फुटबॉलर से वो बीच में बनाना जो है वो खाते रहते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि ये स्लो रिलीजिंग एनर्जी है जो 1 से 1.5 घंटे तक आपको एनर्जी स्लो वे में रिलीज करते रहता है। तो बेस्ट प्री वर्कआउट है कॉफी विथ बनाना। आप इसको लेने का सही क्या करना है, आप जो कॉफी बनाते हैं उसमें भी बनाना कट कर सकते हैं, उसको बनाना शेक बना सकते हैं कॉफी जब आप पी रहे हैं, ब्लैक कॉफी के साथ में भी और नॉर्मल कॉफी के साथ में भी। पहली चीज, ए वन बनाना इज मोर देन इनफ। दूसरी चीज प्रिकॉशन मैंने आपको बताया कितनी देर पहले लेना है, 30 मिनट्स to 60 मिनट्स बिफोर ये वर्कआउट के पहले लेना है ताकि ये आपकी एनर्जी को सस्टेन कर सके। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू किया है, जैसे जो लोग यूट्यूब पे मेरे साथ में ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, हमारी टीम के साथ ट्रेनिंग कर पा रहे हैं इवनिंग में 6 बजे मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उन लोगों के लिए हमने अलग से जूम पे ट्रेनिंग शुरू करने का प्लान किया है जो मॉर्निंग टाइम में होगी, और उसके लिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए। और मैं अगर ये मेरा वीडियो कहीं तक पहुंच रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे फिटनेस लाइन को या हमारे फिटनेस स्टूडियो को भी, मेरा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे फिटनेस स्टूडियो को जल्दी चालू किया जाए और उसकी परमिशन दी जाए, जिम की परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारा रेंट चल रहा है कंटिन्यूअसली, हमारे ट्रेनर्स की सैलरी कंटिन्यूअसली हमको देना पड़ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फिटनेस सेंटर शुरू हो ताकि सभी का फायदा हो सके, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी एक्सरसाइज, जिस पर मैंने पहले भी बात की, तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो योगा सेंटर्स, एरोबिक सेंटर्स, जिमिंग, जो भी चीजें इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है वो जल्दी से शुरू करने का मेरा रिक्वेस्ट है। और हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने आप के साथ में क्या करना है, प्यार करना है, और अपने देश के साथ में। जय हिंद, जय भारत।